हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली सिक्स सेंचुरी वॉज। तो सिक्स सेंचुरी के पास जो जिस पिलग्रिम ने जिस जो है ट्रेवलर ने इंडिया में विजिट किया, चाइनीज ट्रेवलर थे, उनका क्या नाम है? तो देखिए, उनका नाम है सुंग योंग। ठीक है, सुंग योंग उनका नाम है। देखते हैं, चाइनीज पिलग्रिम सुंग योंग केम टू इंडिया इन 518 AD एंड कलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस प्रीचिंग इन हिज 3 ईयर्स ऑफ ट्रेवल। 3 साल के अपने ट्रेवल में वो बहुत सारी बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट को उन्होंने कलेक्ट किया, बुद्धिस्ट प्रीचिंग्स को उन्होंने कलेक्ट किया, और उनका नाम है सुंग योंग। क्या नाम है? सुंग योंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर शंकराचार्य सेंट ऑफ 8th सेंचुरी। तो शंकराचार्य के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, उसको हमें देखना है। देखिए, ही एस्टैब्लिश्ड 4 रिलीजियस सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है, 4 रिलीजियस सेंटर्स इन्होंने, 4 मठ इन्होंने एस्टैब्लिश किया। ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट है हमारा, ही नेम्ड प्रयाग एज तीर्थराज, तो ये जो है सही नहीं है। ही प्रोपागेटेड वेदांता, ये भी सही है, वेदांता को उन्होंने जो है उसकी शिक्षा दी, उसको प्रोपागेट किया, उसको जो है फैलाया। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को काउंटर किया, उसके उसके फैलाव को रोकने की कोशिश की। उन्होंने 4 मठ इस्टेब्लिश किया इंडिया में, ये हमारा तीनों सही है। ठीक है, देखते हैं, शंकराचार्य ऑल्सो नोन एज द शंकरा वॉज बॉर्न इन कलाड़ी स्मॉल विलेज इन केरला। तो कलाड़ी एक छोटा सा गांव है केरला में, 8वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था वहीं पे। एट दिस टाइम हिंदुइज्म विच हैज डिमिनिस्ड ड्यू टू द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अगेन रोज टू द इमिनेंस विद द एमर्जेंस ऑफ द शंकराचार्य। तो इस समय जो है फिर से उत्थान शुरू हो जाता है हिंदुइज्म का, जो कि नीचे जा रही थी जैनिज्म और बुद्धिज्म के स्प्रेड की वजह से। ठीक है, ही एडवोकेटेड द ग्रेटनेस ऑफ वेदास, तो उन्होंने वेदास की महानता पे जो है उन्होंने इम्फेसाइज किया, उन्होंने फोकस किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, टू स्टडी एंड कंपाइल द वेदास ही ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया ऑन फूट। वो खुद से अपने पैरों पे चल के पूरे इंडिया को उन्होंने जो है ट्रेवल किया। किस लिए? वेदास को स्टडी करने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए, उसको जो है संग्रहित करने के लिए वो पूरे इंडिया को ट्रेवल किए। हिज फिलोसफी इज नोन एज अद्वैत वेदा, उनकी पूरी फिलोसफी जो है उसका नाम है अद्वैत वेद। ठीक है, क्या नाम है? अद्वैत वेद। ठीक है, अद्वैत वेदांता। ठीक है, उनकी फिलोसफी है अद्वैत वेदांता। ठीक है, द 4 रिलीजियस सेंटर्स एस्टेब्लिश बाई शंकराचार्य आर कंसिडर एज द पोनियर ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, 4 जो रिलीजियस सेंटर्स थे, एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से थे। फर्स्ट हमारा है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी कहाँ पे है? श्रृंगेरी आपका है कर्नाटक में, साउथ में है। द्वारका जो है गुजरात में, वेस्ट में है। पुरी हमारा उड़ीसा में, ईस्ट में है। और ज्योतिर्मठ जो है वो जोशीनाथ मठ उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये 4 जो ये नॉर्थ में है, ये 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से 4 जो है उन्होंने मठ का एस्टेब्लिशमेंट किया। प्रयाग मेंशन इन होली स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदू, जो हमारे हिंदूज के जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उनमें जो है मेंशन है प्रयाग का नाम। द वेदा एंड द पुराना वॉज देन नेम्ड एज प्रयाग और तीर्थराज। ठीक है, तो वेद और पुराणों में जो प्रयाग का नाम है उसको तीर्थराज भी कहा गया है, किंग ऑफ तीर्थ, मतलब जितना पिलग्रिम सेंटर्स है उसके उसका किंग है, सबसे जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि शंकराचार्य हु लेटर बिकेम शंकराचार्य वॉज इन। तो कहाँ के हैं? वो केरला के थे। ठीक है, जो है केरला में, अभी हमने जो है इसको डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर द 4 मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश बाय द आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मोनेस्ट्रीज, 4 मठों को कहाँ एस्टेब्लिश किया गया? तो कौन सा है? द्वारका, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ और प्रयाग। ये गलत, प्रयाग में है नहीं। तो देखिए, जोशीमठ, द्वारका, श्रृंगेरी और पुरी, तो ये हमारा 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन चार धाम। चार धाम में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? पुरी है, द्वारका है और आपका रामेश्वरम है। मानसरोवर जो है नहीं है, मानसरोवर चार धाम में इंक्लूडेड नहीं है। देखिए, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर आर द 4 धाम, वाइल द गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आर द लिटिल, छोटा 4 धाम इसको कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड में ही है 4, और इनको छोटा 4 धाम कहा जाता है। किसको? गंगोत्री को, यमुनोत्री को, केदारनाथ को और बद्रीनाथ को। ठीक है, द 4 मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश बाई आदि शंकराचार्य आर केदारनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही से मैच नहीं है वो हमें देखना है. देखिए फर्स्ट हमारा है रवि कीर्ति, पुलकेशिन सेकंड. तो ये बिल्कुल सही है, पुलकेशिन सेकंड आपको याद है कौन थे, जिन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने नहीं दिया था अपने कैंपेन में. कहाँ पे? उन्होंने नर्मदा नदी पे ही उन्हें रोक लिया था, डेक्कन और जो है डेक्कन के साइड में केरला और जो है आपका महाराष्ट्र में वो बढ़ नहीं पाए थे. ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड ने रवि कीर्ति लिखा था, ये चंडेल के जो है किंग थे. नेक्स्ट हमारा है भवभूति, भवभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज. ठीक है, भवभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, ये भी सही है. हरिसेन, हर्ष ने लिखा, ये बिल्कुल गलत है. दांडी, ये जो है नरसिंह वर्मन, तो ये हमारा सही है. एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देखिए हर्ष वॉज कंपाइलर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना, तो प्रयाग प्रशस्ति के कंपाइलर हर्ष है. एंड सेक्रेटरी ऑफ द समुद्र गुप्ता, वाइल जो हर्ष है वो क्या है, सेक्रेटरी है समुद्रगुप्त के. बाण भट्ट की बात करें तो ही इज द पोएट लॉरिएट ऑफ द हर्षा, थे पोएट लॉरिएट ऑफ हर्ष थे. तो देख लीजिए यहाँ पे जो दांडी थे वो नरसिंह, ओ सॉरी ये मैंने जो है बुक और वो मेरे माइंड में कुछ और चला था. तो देखिए रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशिन टाइम सेकेंड के टाइम पे थे, भवभूति जो है वो यशोवर्मन के टाइम पे थे, दांडी जो है किसके टाइम पे थे, नरसिंह वर्मा के टाइम पे थे, और ये जो है हमारा हरिसेन जो है ये हर्ष के टाइम पे नहीं थे, हरिसेन जो है हर्ष के समय के नहीं थे. ठीक है, तो इसको मैं हरिसेन जो है क्या थे वो जो है प्रयाग प्रशस्त आपका हरीश वॉज द कंपाइलर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति एंड सेक्रेटरी ऑफ द समुद्रगुप्त, वाइल बाण भट्ट की बात करें तो ही वॉज अ पोएट लॉरिएट ऑफ द हर्षा. तो हर्ष जो है पोएट लॉरिएट थे बाण भट्ट के. ठीक है ना, बाण भट्ट हर्ष के पोएट लॉरिएट थे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैच करना हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू से. देख लेते हैं लिस्ट वन में क्या है. लिस्ट वन में है आपके पोएट है और किंग्स है किससे कौन एसोसिएट करते हैं. तो पोएट में है अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन और बाणभट्ट, और लिस्ट टू में हमारा है चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, तो देख लेते हैं. देखिए इसका जो होगा अमीर खुसरो का क्या है, अमीर खुसरो का अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कालिदास, कालिदास का होगा चंद्रगुप्त सेकेंड. ठीक है, हरिसेन का होगा जो समुद्रगुप्त, अभी हम जस्ट देखा हरिसेन समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट का होगा हर्षवर्धन, बाणभट्ट हर्षवर्धन के जो है कोर्ट में थे. ठीक है, ये हो गया. अमीर खुसरो वाज द पोएट लॉरिएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास वाज पोएट लॉरिएट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड वन ऑफ द नवरत्न ऑफ हिज कोर्ट. तो जो कालिदास थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के जो है कोर्ट के नवरत्न थे, नवरत्न में से एक थे. और हरिसेन वाज द लॉरिएट सेक्रेटरी ऑफ द समुद्रगुप्त एंड बाणभट्ट जो है कौन थे, पोएट थे किसके समय में, हर्षवर्धन के कोर्ट में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैच करना है हमारा कोड है लिस्ट वन में देखते हैं भोज, दुर्गावती और समुद्रगुप्त और अशोक. ठीक है, इसमें क्या है, उज्जैन, विदिशा, धार और गोंडवाना. तो हमें इसमें बताना है मैच करके. देखिए वन का हो जाएगा थ्री. ठीक है, मैंने कि भोज जो है गोंडवाना, भोज क्या हो जाएगा, गोंडवाना. ठीक है, उसके बाद दुर्गावती, दुर्गावती का हो जाएगा सॉरी ये आपका डी है. तो भोज जो हो जाएगा धार, भोज का हो जाएगा धार, भोज का क्या रिलेट करेंगे, धार है ना. और दुर्गावती कहाँ से बिलोंग करती थी, गोंडवाना से. उसके बाद जो है आपका समुद्रगुप्त है विदिशा. ठीक है, समुद्रगुप्त है विदिशा और अशोक उज्जैन. ठीक है, तो ये हमारा सही है. देख लीजिए भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा और अशोक उज्जैन, ये हमारा सही उत्तर था. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है आर्किटेक्चर इन एंशियंट इंडिया. तो प्राचीन काल में स्थापत्य कला के बारे में इसमें हम देखेंगे. ठीक है, देख लेते हैं. द एसोसिएट्स ऑफ द खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर, जो खजुराहो टेम्पल से जो है खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी था. ऑप्शन है चंदेल, गुजर प्रतिहार. ठीक है, उसके बाद है आपका चाहमान और परमार. तो देखिए चंदेल जो, चंदेल लोग थे जो, वो जो है एसोसिएट करते थे खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर से. चंदेल जो है वो एसोसिएट करते थे खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर से. खजुराहो टेम्पल एविडेंस द एक्सीलेंस ऑफ द चंदेला आर्किटेक्चर. जो खजुराहो टेम्पल है वो क्या है, एविडेंस द एक्सेलेंस ऑफ द चंडेला. चंदेल का जो आर्किटेक्चर था बहुत ही अपनी जो है शीर्ष पे था. ठीक है ना, और बहुत ही यूनिक, जैसे खजुराहो में अगर हम देखें तो उनके आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें सामने आ जाएंगी. दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश. तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में है. एंड वेयर बिल्ड बिटवीन द 950 और 1050 के बीच में इसको बनाया गया. अब देखिए इसमें क्या है,
कंदरिया महादेव, ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल इज द बेस्ट अमंग द टेम्पल्स। तो अगर हम खजुराहो टेम्पल में देखें तो कंदरिया महादेव का जो टेम्पल है इट इज द बेस्ट अमंग द ऑल द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, सारे खजुराहो के टेम्पल सबसे अच्छा टेम्पल अगर है तो कंदरिया महादेव है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वॉज बिल्ट, तो पूरा खजुराहो का जो टेम्पल था वो जो है बनवाया गया था किसके, जो है चंदेल शासकों के द्वारा, तो चंदेल से बिलोंग करेगा कंदरिया महादेव। विच डायनेस्टी गेव इट्स फेमस टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, सेम क्वेश्चन है, चंदेल्स हैं, चंदेल लोगों ने बनवाया था, रूलर्स ऑफ चंदेल बिल्ट क्या क्या बनवाया था, सांची ग्वालियर जैन, लेकिन ये था जो है खजुराहो का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टेम्पल्स ऑफ द खजुराहो आर रिलेटेड विद, तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ठीक है, देखते हैं खजुराहो के मंदिर हमारे किससे रिलेटेड हैं, तो जैन और हिंदू से, ठीक है, जैन और हिंदू दोनों धर्म से रिलेटेड हैं खजुराहो के टेंपल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, खजुराहो के टेंपल जो चंदेल लोगों ने बनवाए थे वो जैन और जो है हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए खजुराहो इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश, मोस्ट ऑफ दीज वर बिल्ड बिटवीन द 950 टू 1050 एडी, चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था ये, 950 से लेके 1050 तक के टाइम का है ये खजुराहो, मेनली हिंदू और जैन टेम्पल्स से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देयर वर 85 टेम्पल्स बिल्ड एट द साइट ऑफ खजुराहो, ठीक है, लगभग 85 टेम्पल जो है खजुराहो के साइट पे बने थे, ठीक है, इन विच 30 एग्जिस्ट टिल डेट, और उसमें से अगर देखें तो 30 अभी भी जो है, 85 बने थे और 30 अभी बचे हुए हमारे पास, ठीक है। द टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, तो हमने देखा था ये चंदेल डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया है। अब है नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है वो ये है, हाँ, मतंगेश्वर टेम्पल ऑफ खजुराहो इज डेडिकेटेड टू, तो देखिए मतंगेश्वर जो टेम्पल है खजुराहो का वो किससे किसको डेडिकेटेड है, वो शिव भगवान को डेडिकेटेड है, ठीक है। मतंगेश्वर टेम्पल ऑफ खजुराहो इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द किंग धंग, कौन से किंग, धंग, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, धंग जो है किंग धंग ने बनवाया था मतंगेश्वर टेम्पल, और कब, 1950 से 1050 के बीच में, दीज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाई इन नागरा आर्किटेक्चर, तो देखिए किसी भी टेम्पल को बनाने के लिए जो है डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, नागरा आर्किटेक्चर मेनली नॉर्दर्न इंडिया में चलता था, ठीक है, जहाँ पर विमान जो है बहुत ऊंचा सा विमान होता था और उस पर एक कलश होता था, नागरा आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में ज़्यादा समझना है तो अब मैं जब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी मंदिर के आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, अंदर जो है उसमें गर्भगृह है वो उसको वो क्या है, वो सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे उसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड एट द खजुराहो, कौन सा जो है टेम्पल खजुराहो में नहीं लोकेटेड है, ठीक है, तो कंदरिया महादेव है, बिल्कुल है, ठीक है, 64 योगिनी भी है और चित्रगुप्त का मंदिर भी है, ठीक है, तो कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है और चित्रगुप्त भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, दशावतार जो है वहाँ पे नहीं है, दशावतार नहीं है, तो दशावतार है कहाँ, देखिए दशावतार टेम्पल इज लोकेटेड इन झांसी, कहाँ पे है दशावतार टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, झांसी में है, बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और किस समय का है ये भी पूछते हैं, तो ये गुप्ता समय का है दशावतार टेम्पल, झांसी में है, और सारे जो ऑप्शन है कौन कौन से, कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त का जो मंदिर है वो जो है लोकेटेड है कहाँ पे, आपके जो हमने बताया आपका वो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, खजुराहो के टेम्पल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, देखिए खजुराहो टेम्पल बिल्कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भीमबेटका भी है, सांची भी है, लेकिन मांडू फोर्ट जो है मांडू फोर्ट नहीं है, ठीक है, तो खजुराहो टेम्पल मांडू फोर्ट आई थिंक अभी प्रेजेंटली जो है इस टाइम अगर हम देखें तो मांडू फोर्ट अब हो गया है, ठीक है, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा मांडू फोर्ट के बारे में, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। खजुराहो टेम्पल, भीमबेटका शेल्टर, रॉक शेल्टर और सांची स्तूप लिस्टेड अमंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मांडू फोर्ट के बारे में, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। टेंथ हमारा है द पिनाकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है, तो द्रविड़ा स्टाइल के पिनाकल कौन सा है ये हमें देखना है, तो देखिए ये क्या है कि देखिए इसमें मतलब क्या है कि ये 2016 का है ये, देखिए
इसमें है भीतरगांव टेम्पल, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, कंदरिया महादेव टेम्पल और उरिया टेम्पल. ठीक है, तो ये हमारा जो तेली टेम्पल है, तेली टेम्पल ऑफ जो है ग्वालियर है, वो जो है द्रविड़ा स्टाइल में है और द्रविड़ स्टाइल का शीर्ष पे जो है ये तेली टेम्पल है. ठीक है ना, तो ये जो हमारा उत्तर हो गया तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर. और ये आर ओ आर ओ का क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा इसको, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और अभी हो सकता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा. तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर रिप्रेजेंट द परफेक्ट फ्यूजन ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ इंडिया. ठीक है, एक बहुत अच्छा सा फ्यूजन है, बहुत अच्छा सा जो है संक्रमण है एक्चुअली दोनों का, नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों स्टाइल का जो है, एक जो है दोनों चीज़ें, दोनों तत्व उसमें हैं. द शिखरा या पिनाकल ऑफ द टेम्पल इज द्रविड़ियन इन स्टाइल, वेयर एज द ऑर्नामेंटेशन इज डन इन द नागरा स्टाइल. जो उसकी ऑर्नामेंटेशन मतलब जो जो है जिस तरीके से साज सज्जा उसकी है वो पूरी नागरा स्टाइल में है, यानी कि नॉर्दर्न जो साइड में जो टेम्पल्स चलते हैं उस तरीके से हैं, लेकिन जो शिखर है, जो पिनाकल है, वो द्रविड़ स्टाइल में है. ठीक है, विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 बुद्धा केव्स, कौन सा जो है सेंटर 10 से ज़्यादा बुद्धा केव है जिसमें, तो देखिए आंसर है हमारा कान्हेरी. कौन सा है? कान्हेरी. कान्हेरी में हमारा था अजंता, कार्ले और राजगृह, लेकिन सही उत्तर है कान्हेरी. देखिए कान्हेरी केव्स कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ रॉक कट मॉन्यूमेंट्स दैट आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ बोरेवली ऑन द वेस्टर्न आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई. देखिए कान्हेरी केव्स डिमॉन्स्ट्रेट बौद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 8th-9th century AD. तो ये हमारा कान्हेरी के बारे में है, और कान्हेरी कहाँ पे है, ये जो है आपका मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बौद्धिसत्व इमेजेस डिपेक्टेड. ठीक है, तो देखिए ये भी 2017 का क्वेश्चन है, प्री का अच्छा क्वेश्चन है ये. तो कौन से रॉकेट केव की बात कर रहे हैं जहाँ पे 11 हेडेड बोधिसत्व का इमेज है, 11 सर हैं जिनके. ठीक है, ये आपका कान्हेरी में है. कहाँ पे है? कान्हेरी में है. देखिए कान्हेरी केव्स कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप ऑफ द रॉकेट मॉन्यूमेंट्स, कहाँ पे है ये, जो है मुंबई में है. ठीक है, और दीज केव्स आर लोकेटेड इन द सराउंडिंग ऑफ द संजय गांधी नेशनल पार्क. ठीक है, उसी के आसपास में है. देर आर मोर देन 90 रॉकेट केव्स इन द कान्हेरी. कन्हेरी में 90 से ज़्यादा रॉकेट केव्स हैं. एंड विच इज़ द मैक्सिमम एट एनी प्लेस. ठीक है, अवलोकितेश्वर इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फिगर हैविंग 4 आर्म्स एंड 11 माउथ. ठीक है, तो कौन है जो एक बोधिसत्व है जिनका नाम है अवलोकितेश्वर, वो क्या है, वो जो है 4 आर्म्स हैं उनके और 11 माउथ है. तो अवलोकितेश्वर के 4 आर्म्स और 11 माउथ है, एक बोधिसत्व हैं. और ये जो केव नंबर अगर आप देखें तो ये 41 में है. ठीक है, जैन टेम्पल ऑफ आबू इज मेड ऑफ. ठीक है, तो जैन टेम्पल जो आबू का है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है. जैन टेम्पल ऑफ आबू इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जैन टेम्पल नोन द वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड मार्वलस मार्वल स्टोन कार्विंग. बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है और बहुत ही अच्छा मार्वल का कार्विंग है. ठीक है, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई द, कहाँ पे, किस किस के द्वारा बनाया गया था, तो देख लीजिए ये जो है भीम देव प्रथम, कौन से सोलंकी जो है ये चालुक्य एक शासक थे. ठीक है, एक किंग थे, क्या नाम था इनका, भीम देव प्रथम, और उनके एक सामंत थे. बस उनके सामंत मतलब क्या होता है, अभी हमने सामंत के बारे में पढ़ा है, तो सामंत उनके क्या थे, विमल शाह ने कराया था. ठीक है, तो चाहे विमल शाह आता है ऑप्शन में कि विमल शाह ने कराया था, उनके सामंत थे, और चाहे वो चालुक्य के जो है रूलर आते हैं, गुजरात के चालुक्य हैं, उनके जो रूलर हैं भीम देव, वो आते हैं. तो दोनों ही जो है स्थिति में आप ऑप्शन लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ देखिए पालीताड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है. ठीक है, पालीताड़ा मंदिर, ये सब आईएएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखिएगा, पालीताड़ा मंदिर कहाँ पे है. ठीक है, देखिए इट इज लोकेटेड इन भावनगर, गुजरात में है पालीताड़ा मंदिर, भावनगर में है, याद रखिएगा. पालीताड़ा मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में भावनगर में, पालीताड़ा टेम्पल ऑफ जैनिज्म. और ये जो है ये भी पूछ सकता है कि किस जो है रिलीजन से संबंधित है, तो पालिताना या पालिताड़ा, हिंदी में पालिताड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में पालिताना है. तो टेम्पल कहाँ पे, जैनिज्म का एक धर्म का एक टेम्पल है, इज लोकेटेड ऑन द, कहाँ पे लोकेटेड है ये शत्रुंजय पहाड़ियों पे, कौन से, शत्रुंजय हिल्स पे लोकेटेड है. ठीक है, तो ये कहाँ पे है, सिटी ऑफ पालिताना या पालिताड़ा इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये गुजरात में है. नेक्स्ट हमारा एलिफेंटा केव्स वर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज,
कौन सी स्पेशली किस डिवोटी के लिए जो एलिफेंटा केव है ये जो है जो स्कल्पिट किया गया था, तो ये शिवा भगवान शिव के लिए किया गया था, ठीक है, भगवान शिव के लिए गया था। और इसको देखिए जो हमारी एलिफेंटा के केव्स एलिफेंटा की गुफाएं हैं कि किस धर्म के मतावलंबियों के लिए जो है मेनली था, ये तो शैविज्म के लिए, शैव धर्म के लिए था, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ ज़्यादा कुछ, तो एक बार मैं अपने देख को बता देती हूँ कुछ। तो एलिफेंटा जो है ये कहाँ है, मुंबई, अगर बम्बई हम जाएँ, मुंबई जाएँ तो मुंबई से जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा ये, और ये जो है बहुत ही फेमस जो है केव टेम्पल्स ये है, और जिसको जो है राष्ट्रकूटों ने, कौन, राष्ट्रकूट जो रूलर्स थे उन्होंने बिल्ड किया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से 5 जो है गुफा मंदिर केव जो है टेम्पल्स मिलते हैं, जिनमें से हिंदू हैं, मुख्यतः हिंदू और शैव जो है मान्यताओं के लोगों के लिए हैं ये, उनसे संबंधित है, शैव मूर्तियां हैं उसमें मेनली, ठीक है। ये यहाँ पे 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं, ठीक है, तो बौद्ध केव्स भी हैं, 2 बौद्ध केव भी हैं कहाँ पे, एलिफेंटा में। और इन जो है जी गुफाएं थी, इनको जो है 5 से 8 शताब्दी का माना जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो जो है मूर्ति है, त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई, त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा यहाँ से मिली है, ठीक है। तो अब देखिए जो एलिफेंटा है वो राष्ट्रकूटों ने बनाया, ठीक है, ये एक बार याद कर लीजिएगा इसको, कहीं पे नोट कर लीजिए इसको। तो जो एलिफेंटा है वो राष्ट्रकूटों ने बनाया, और वो हिंदू और बौद्ध जन जो है लोगों के इसमें केव आपके टेम्पल्स हैं। खजुराहो हमने देखा चंदील शासक ने बनाया, इसमें हिंदू और जैन है, ठीक है। एलिफेंटा में कौन है, हिंदू और बौद्ध हैं, लेकिन खजुराहो में हिंदू और जैन है। एलिफेंटा को बनवाया था राष्ट्रकूटों ने, और जबकि अगर हम खजुराहो देखें तो चंदेल ने बनवाया था, ठीक है। दिलवाड़ा जो है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो चालुक्यों ने बनवाया था, ठीक है। तो चालुक्य ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए देयर आर ओनली 2 नोन टेम्पल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशियंट इंडिया। वन ऑफ दीज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता टेम्पल्स, ठीक है। 2 जो है मेनली जो है आपके गुप्ता टेम्पल्स हैं, ठीक है, हमें मिले हैं। तो एक जो है कौन सा है, अजंता केव्स है, और दूसरा कौन सा जो सर्वाइविंग है, तो बाघ केव्स है। तो ये जो अजंता और बाघ दोनों है गुप्ता के टाइम के हैं, गुप्ता पीरियड के हैं, याद रखिएगा। अजंता एंड बाघ बोथ बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो देख लीजिए अनदर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द केव पेंटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इज बाघ केव्स। दीज केव पेंटिंग्स आर एसोसिएटेड विद द नॉर्मल पब्लिक लाइफ, ठीक है। अजंता केव पेंटिंग्स आर एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो जो कि अजंता जो है वो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है, लेकिन अगर हम बाघ के बारे में देखें तो बाघ जो है आम जन की लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए वाइल लोमस ऋषि केव आर रिलेटेड टू द मौर्यन पीरियड, और अगर लोमस इसी में ऑप्शन में है, लोमस ऋषि केव, तो लोमस अगर ऋषि केव आता है तो ये मौर्यन का है, ये जो है गुप्ता पीरियड का नहीं है। विच इज लोकेटेड इन द बाराबर हिल्स, कहाँ पे, जो है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में क्या है, ये लोमस ऋषि का केव है, ये मौर्यन जो है काल से संबंधित है। नासिक केव्स बिलोंग टू द सातवाहना पीरियड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नासिक केव किससे है, सातवाहना पीरियड से। तो एक बार इसको बंद कर दीजिए, आंख बंद करके एक बार आप देखिए कि आपको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखिए अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एलिफेंटा केव्स हैं वो उसको किसने, किस जो है डायनेस्टी के शासक ने बनवाया, और उसमें कौन कौन से रिलीजन के मंदिर हैं। दूसरा आपका है खजुराहो, उसको किस डायनेस्टी के शासक ने बनवाया, और कौन कौन जो है धर्म से के मंदिर वहाँ संबंधित है। वहाँ पे दिलवाड़ा में किस डायनेस्टी ने बनवाया, और कौन से धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा टेम्पल। दूसरी बात ये है बौद्ध धर्म में कौन से केव जो है टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये आपको बताने हैं 2, ठीक है। दूसरी बात और है जो लोमस ऋषि है वो लोमस ऋषि किस डायनेस्टी से संबंधित है, ठीक है। जो नासिक केव्स हैं वो किस डायनेस्टी से संबंधित है, इतने क्वेश्चंस आपको जो है कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए ये आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इसको जो है रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ये है कि अगर आप इसको लिखेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। और जो लोग अगर कमेंट सेक्शन में आएंगे, धीरे धीरे देखेंगे, तो उनके लिए भी ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी होगी। आप अगर करेंगे तो आपको लॉन्ग जो है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये आपके मेमोरी में रह जाती है, ठीक है ना। इसलिए जो ये ज़रूरी है कि जो कहा जाए उसको ऐसे ही मत निकाल दीजिए, आप उसको कम से कम एक बार लिख के कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलोरा केव टेम्पल्स आर रिलेटेड टू, तो एलोरा जो केव टेम्पल है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो देखिए इसमें तीनों हैं, एलोरा केव टेम्पल्स जो है उसमें तीनों हैं, हिंदुइज्म के भी टेम्पल्स हैं, जैनिज्म के और बौद्धिज्म के भी हैं, ठीक है। देखिए एलोरा केव लोक जो है लोकली इसको
वेरलू लेनी के नाम से जाना जाता है। एलोरा जो केव्स है उसको लोकली अगर देखे तो वेरलू लेनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेट है देख लेते हैं, ये 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर है। देर आर नियरली 100 केव्स इन द हिल आउट ऑफ विच 34 केव्स आर फेमस एंड विजिटेड बाई मेनी टूरिस्ट। 100 केव है इसमें टोटल, और अगर देखेंगे जो केव बहुत ज़्यादा विजिटेड जो है विजिट करते हैं लोग, वो 34 केव्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। देखिए नेक्स्ट इसमें है क्या कि अमंग दम 1 to 12 बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट। अगर हम देखें तो इसमें मैंने बताया कि जो हमारा एलोरा है वो हिंदू जैन और बुद्ध तीनों से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट 12 है, 1 से 12 तक का जो केव है वो बुद्धिस्ट केव है। जो सेकेंड आपका है 13 to 29 वो किसका है, वो हिंदू है। 13 to 29 किसका है, हिंदू है। और नेक्स्ट आपका 30 to 34 किसका है, जैन का है, ठीक है। तो 1 से 12 जो है आपका, 1 से 12 किसका है, बुद्धिस्ट का है। 13 से 29 ठीक है ये है आपका हिंदू, और 30 से 34 आपका है जैन, ठीक है। तो ये क्या है उसका एंशियंट नाम देखें एलोरा का, तो है एलापुरा। क्या ना, एलापुरा, एलापुरा या एलापुरा नाम है इसका। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द केव्स एंड द रॉक्स टेम्पल्स ऑफ एलोरा रिप्रेजेंटेड ओनली हिंदुइज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। तीनों ही जो है उसमें चीजें हैं, तीनों ही टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन रॉक केव को एग्जिस्ट, सारी चीजें एक साथ कहाँ मिलती हैं, तो वो एलोरा में मिलती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर, कौन सा रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं जो है बता देती हूँ इसका वो ऑप्शन और आप बताइए इसको। आप एक बार देख लीजिए फिर से, कौन सा शैलाकृत स्थापत्य का उदाहरण है। रॉक कट मतलब होता है शैलाकृत स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका शोर टेम्पल मालमल्लपुरम, राज राजेश्वर टेम्पल तंजौर, और कैलाश टेम्पल एलोरा, और क्या है जगन्नाथ टेम्पल पुरी। तो जो रॉक कट है, रॉक को मतलब गुफा को काट के बनाया गया है, वो आपका कौन सा है, कैलाश टेम्पल एलोरा। कैलाश टेम्पल को जो है गुफा को काट के बनाया गया है, ठीक है। तो कैलाश टेम्पल एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। राष्ट्रकुटा रूलर कृष्णा फर्स्ट बिल्ड दिस टेम्पल इन द्रविड़ियन स्टाइल, ठीक है। तो जो जो आपके कृष्णा फर्स्ट हैं, उन्होंने जो है इस टेम्पल को द्रविड़ियन स्टाइल में बनाया है। द रॉक कट केव्स इन द वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन, तो कहाँ पे है ये रॉक कट केव, वेस्टर्न इंडिया में, नासिक में, एलोरा एंड अजंता में, नासिक में, एलोरा और अजंता में रॉक कट केव्स की हैं, ठीक है। द एंशियंट रॉक कट केव्स इन द वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड एट द नासिक एलोरा एंड अजंता। इन टोटल देर आर 100 केव्स इन द हिल, आउट ऑफ 34 आर फेमस एंड रिलेटेड टू द बुद्धिज्म जैनिज्म एंड हिंदुज्म। नासिक केव्स आर ऑल्सो नोन एज द क्या है, पांडावेनी, क्या बोलते हैं इसको, पांडावेनी बोलते हैं नासिक केव्स को, ठीक है। और क्या है केव्स आर पांडुलिनी, पांडावेनी और पांडुलिनी बोलते हैं नासिक केव्स को, और रिप्रेजेंटिंग द बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस। तो ये बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस को जो है रिलेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर द बुद्धिस्ट केव, जो आपका टेम्पल। तो बौद्धिस्ट केव टेम्पल से कौन सा रिलेट करता है, ये अजंता है, अजंता में बौद्धिस्ट केव टेम्पल्स हैं, ठीक है। अजंता इज फेमस फॉर द बौद्धिस्ट केव टेम्पल्स, वाइल एलिफेंटा इज फेमस फॉर द शैवा टेम्पल, खजुराहो इज फेमस फॉर शैवा एंड वैष्णवा एंड जैन टेम्पल, ठीक है। तो जो है खजुराहो में शैव और वैष्णव, यानी कि हिंदू और जैन मैंने बताया था आपको, तो हिंदू में शैव और वैष्णव और जो है आपका जैन टेम्पल है। एंड नालंदा इज फेमस फॉर द बौद्धिस्ट एजुकेशन, नालंदा जो है बौद्धिस्ट एजुकेशन के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, एलोरा केव्स वर बिल्ड बाई, तो एलोरा केव्स किसने बनवाया था, देखिए एलोरा केव्स के निर्माता अगर हम देखें तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि एलोरा जो केव्स है हमारी वो राष्ट्रकूट ने बनवाया था। एलोरा केव्स किसने बनाया था, राष्ट्रकूटास ने, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज कंसीडर्ड एज द वॉन्डर ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। जो जो वॉन्डर है मतलब क्या है कि रॉक को काट के जो बनाया गया था उसका जो है शैलाकृत बोलते हैं इसको हिंदी में, तो किसका आश्चर्यजनक एक उदाहरण है, देखिए कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा एलोरा, ठीक है, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, ठीक है। कैलाश टेम्पल जो कैलाश है उसमें केव 16 ऑफ एलोरा, ठीक है, 16वां जो केव है उसमें, इज रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द द्रविड़ियन आर्किटेक्चर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग प्रोपोर्शन, एलेबोरेट वर्कमैनशिप, आर्किटेक्चरल कंटेंट एंड
स्कल्पचरल ऑर्नामेंटेशन ऑफ द रॉक आर्किटेक्चर. ये बहुत ही जो है जो आपका अगर हम देखें तो शैलाकृत जो सबसे जो एक आश्चर्य उदाहरण है ये कौन सा है आपका, ये आपका है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा. इसमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे इसका आर्किटेक्चर ले लीजिए, चाहे आप इसका ऑर्नामेंटेशन ले लीजिए, है ना, जितने जिस तरीके से इसको सुसज्जित किया गया है, ठीक है, इसका रॉक कटिंग का आर्किटेक्चर ले लीजिए, ये बहुत ही जो है एक विशिष्ट जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है. द टेम्पल वॉज बिल्ट बिटवीन द 757 to 783 BC when Krishna I ruled the Rajputa dynasty. तो जब राजकुटा जो है लोग डायनेस्टी में कृष्णावन जो है राजकुटा डायनेस्टी को में राजा थे तब उस समय वो बना था. इट इज डेजिग्नेटेड टू रिकॉल द माउंट कैलाश एट द होम ऑफ द लॉर्ड कैलाशा. तो इसी को जो है इसको रिकॉल करने के लिए, इसको फिर से समझने के लिए, इसको याद करने के लिए बनाया गया था कि जो लॉर्ड शिवा है वो माउंट कैलाश में उनका घर है, ठीक है. तो ये जो है पूरा हमने देखा था. नेक्स्ट हमारा है विच डायनेस्टी कॉन्स्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेम्पल. कौन सी डायनेस्टी बनाया था, अभी हमने जस्ट देखा कृष्णावन का टाइम था और राजकुटाज ने बनाया था. द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ड बाई, ठीक है, कैलाश टेम्पल जो है एलोरा का वो किसने बनवाया था, तो राजकुटा ने, अभी हमने जस्ट देखा राजकुटा ने बनवाया था. नेक्स्ट है विच डायनेस्टी ऑफ रूलर्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा. सेम आंसर है हमारा, आंसर है राजकुटा, ठीक है. आंसर क्या है, राजकुट, ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं, विच राष्ट्रकुटा रूलर बिल्ड द फेमस सैव टेम्पल. तो फेमस सैव टेम्पल है वो किस, कौन से राष्ट्रकुटा रूलर ने बनवाया था, तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था. कौन बनवाया था, कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड बाई नहीं कॉन्स्ट्रक्टेड बाई, किसने बनवाया था, ये आपका है ये कैलाश, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये कैलाश फर्स्ट है, ठीक है, कृष्णा फर्स्ट, ठीक है. विच रिलीजन हैज राष्ट्रकुटा हैड राष्ट्रकुटाज प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शन. तो ये है, देखिए फिर से देखिए, विच रिलीजन हैज राष्ट्रकुटा प्रोटेक्शन, तो कौन से रिलीजन को राष्ट्रकुट ने जो है प्रोटेक्ट किया था, तो आपका है आंसर जैन, ठीक है. देखिए राष्ट्रकुटा किंग ऑल्सो पैट्रोनाइज फॉलोअर्स ऑफ द शैवा वैष्णवा एंड कौन सा है सख्त फेथ, बट दे वर इंक्लाइंड टूवर्ड्स जैनिज्म. वो जो है उन्होंने सारा शैविज्म और वैष्णविज्म ये सारे लोग को उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन उनका जो ज़्यादा इंक्लिनेशन था, ज़्यादा उनका झुकाव था वो जैनिज्म की तरफ था. सिंस मेनी ऑफ द स्कॉलर्स हु फ्लरिस्ट इन देयर कोर्ट्स एंड वो रोट इन संस्कृत कन्नड़ एंड फ्यू जो है अपभ्रंश में भी कुछ लोगों ने लिखा था एंड प्राकृत वर्ड जैन्स, ठीक है. किंग अमोघ वर्ष फर्स्ट वॉज द डिसाइपल और द जैन आचार्य जिनसेन. तो जो अमोघ वर्ष थे राजकुट के एक शासक थे, वो जो है डिसाइपल थे किसके, जिनसेन के. जिनसेन कौन थे, एक जैन आचार्य थे एंड रोट हिज रिलीजियस राइटिंग इन. अब उन्होंने अपनी बहुत सारी रिलीजियस राइटिंग भी जो है उन्होंने अपनी लिखी थी, ठीक है. तो ये जो है हमारा हो गया. इसके आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.